भगवान ने देखा कि दो जड़ जीव नारद जी के शाप के कारण वृक्ष बने पड़े हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। नारद जी के शाप के कारण वृक्ष बन गए थे। लेकिन जब वो चरणों में गिर पड़े थे शाप के बाद, तब नारद जी ने ये भी फिर कृपा करके, करुणा करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कभी भगवान का स्पर्श मिलेगा तो तुम्हारी जड़ता खत्म हो जाएगी। उसी सांप को याद करके भगवान ने संत के वचन को पूरा करने के लिए ऊखल को गिराया, और ऊखल को गिरा करके कथा में नहीं, ऊखल को गिरा करके और खींच के चले तो ऊखल दोनों पेड़ों में अड़ गया, अटक गया। और भगवान ने जब एक झटका दिया तो दोनों पेड़ बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। वे दोनों पेड़ भगवान के ऊपर ही गिरे और उन पेड़ों से वे दोनों नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं। एक बात आपसे बताना चाहता हूं, भगवान से यदि हमारी सीधी सीधी मुलाकात न हो पाए, हम जुड़ न पाए, भगवान को जान न पाए, पहचान न पाए, तो भगवान के दूतों से, सेवकों से, संतों से हम अपना मार्गदर्शन पाए, और यदि वहां तक भी हमारी पहुंच नहीं है तो फिर उनके सेवकों से हम जुड़ जाएं और उनसे अपना मार्गदर्शन पाएं। दासान दासो भवितास्मि भूयः, हे प्रभु मेरे को अपने दासों का भी दास बना दो। ये जो नलकूबर मणिग्रीव थे ना, भगवान की जो चेतनता है वो इन तक कैसे पहुंची? भगवान की, भगवान से लिंक थी रस्सी, भगवान से जुड़ी हुई थी रस्सी, रस्सी से ऊखल और ऊखल से वृक्ष। बात समझ में आ रही है ना? भगवान से जुड़ी हुई रस्सी, रस्सी से ऊखल, ऊखल से वृक्ष। तो भगवान का इनडायरेक्टली स्पर्श प्राप्त हो गया और नलकूबर का उद्धार हो गया, जो पेड़ के रूप में थे उनका उद्धार हो गया। और जब उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने भगवान से, भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान हैं, तो भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम अब कभी इस दुनिया में आए, इस संसार में आए तो एक कृपा करना। बोले क्या? हमने संतों की महिमा जानी है, हमने संतों का, नारद जी का अपमान किया, उसका भी फल भोगा हमने, लेकिन हमने थोड़ा सा गिर करके क्षमा मांग ली और उन्होंने जो करुणा की उसका भी फल हमने देख लिया।
उनके अपमान का भी फल हमें भोगना पड़ा और उनकी चरणों में गिरने का भी जो अच्छा फल हमें मिला कि आज आपके दर्शन हम कर रहे हैं, वह दोनों हमने देख लिए। संत की महिमा देखी हमने, अब तो आप ऐसा आशीर्वाद दे जाओ आपके और संतों के। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। वाणी, अब दुनिया की कोई चर्चा न करे हमारी, केवल आपके गुणों का गायन, आपके नाम का जप, आपका कीर्तन, आपके ग्रंथों का स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन ही करें हम, क्योंकि हमने दुनिया का संग पाकर के जो अपने जीवन में अवगुण आए उनका फल हमने भोगा है। निज कृत कर्म जनित फल पायो, हमारे कान हमेशा आपकी कथा सुनने में ही लगे रहे और कछु दुनिया की बकवास न सुने। हमारे हाथ से जो कर्म हो, जो सेवा हो, किसी का बुरा न हो, ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। मनस्तव पादयोर्नः, मन की जो धारा है, मन की जो लगन है, वो केवल आपके चरणों में ही लगी रहे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, और सबसे तो भगवान की मांगी कि तेरी कथा सुने, तेरे गीत गाएं, लेकिन जब आंखों का नंबर आया तो इन नलकूबर और मणिग्रीव ने कहा दर्शन हमें आपके संतों का हो, क्योंकि आज आपके संतों का दर्शन किया था, उसी क्षणिक दर्शन के कारण आज आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए संतों का दर्शन प्राप्त हो।